नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। जी हाँ, जो तस्वीर आज आप देख पा रहे हैं ये है इकबालपुर की, गुड़गांव ज़िले का गांव इकबालपुर। छोटा सा यह गांव है और अपने आप में एक विशेष अहमियत रखता है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव संपन्न हुए तो यहां से धर्मवीर की पुत्रवधू अंजलि ने सरपंच पद के लिए उम्मीदवारी जाहिर की और सैकड़ों वोटों से जीत कर एक इतिहास दर्ज किया। विश्वनाथ भारती कबलाना ने वहां पहुंचकर उनसे बातचीत की, जो लगातार लंबे संघर्ष के बाद अब जीत मिली है कि जीत का जश्न भी। कल आपने देखा कि लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। आज की जो कड़ी रहेगी, जो नव निर्वाचित सरपंच है उनसे मैं रूबरू कराऊंगा और मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि वो कितनी कितनी वोटों से जीत के आए हैं, वो किस तरह का चुनाव माहौल रहा और आने वाला समय है वो क्या उनके मन में बातें हैं और जो गाँव के विकास में वो काम आएंगी। तो तमाम सरपंचों से अब मैं आपको रूबरू कराऊंगा और इकबालपुर से जो है उम्मीदवार थी अंजलि जी उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा और तमाम ग्रामीण हैं आज सुबह सुबह इकट्ठे हुए हैं, बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। सभी गाँव वाले ने मिलकर मौका दिया है। कितनी वोटों से आप जीते? 21 वोट से। 10 साल लगातार वो जीत मिली है, कितना गुस्सा है? बहुत खुशी है जी, मैंने पूरे गांव में इस काम को पहले प्राथमिकता दी जाए। गांव की साफ सफाई से जी, पानी की व्यवस्था है कैसी? पानी की व्यवस्था बढ़िया करेंगे, विकास कार्यों के विकास कार्य के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा कार्य करें, शिक्षा करता हूँ और सरपंच धर्मवीर सिसोदिया से अनुरोध करता हूँ कि अपने गांव में हर विकास के कार्य में अच्छी उन्नति लाए और तरक्की लाए। कोई भी कार्य ऐसा ना हो कि कोई बाधा का काम ना करे। खुशी खुशी सभी भाइयों में मिलकर अपनी पंचायत को हंसते हंसते इस 5 साल के लिए बड़ी अच्छी क्रिया चलाए और सुचारू रूप से इनका आदर करें। नवयुवक सरपंच हमारे गांव इकबालपुर में अंजलि देवी पत्नी दीप सिंह सिसोदिया बनी है और नौजवान है, हमें उनसे बहुत आशा है गांव के विकास कार्यों में। और जो भी कोई गली की समस्या है, पानी की समस्या है, उनको सबको हल करवाने में बहुत ही जो है सक्षम है। और उनके जो ससुर जी हैं रणवीर जी, वे भी गांव के अच्छे उसमें माहौल में जो है काम करेंगे और सबको एकजुट बनाकर रखेंगे और भाईचारे का संदेश देकर सबको जो है गांव की तरक्की में साथ रखेंगे। हाँ जी, युवाओं को जिम्मेदारी होती है, क्या युवाओं के लिए इस योजना में क्या लगाने वाला गाँव? सर, युवाओं के लिए योजना में सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारा जो सरपंच है बहुत ही युवा है और सबसे इससे भी ज्यादा खुशी की बात एक लेडीज है जो आगे आने वाले टाइम में लेडीजों को प्रोत्साहन करेगी पढ़ाई में लिखाई में, नौजवान बच्चों में उनका हौसला बढ़ाएगी और साफ सफाई से पूरी तरह से सुधार करेगी। और जो हमारे अब मेंबर हैं वो भी सारे युवा साथी बने हैं जिससे हमारे गांव में पूरे गांव में खुशी का माहौल है। शिक्षा व्यवस्था कैसी लगती है? शिक्षा व्यवस्था जी हमारे गांव में अभी फिलहाल बच्चे बहुत अच्छे तरक्की पे हैं, जो बाहर जाते हैं पढ़ने वो भी ट्यूशन वगैरह अच्छी तरह से है। सरपंच साहब पे आपको कितनी उम्मीद है कि सरपंच सुधार होगा सरकारी स्कूल वगैरह में? सरपंच साहब तो कल बने हैं, बाकी 3-4 साल से इसी लाइन में बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर किसी गरीब की मदद करने में आगे। लंबे संघर्ष के बाद जीत मिलती है तो अलग सी खुशी होती है। जी जी जरूर जी। देखो जी, बहुत बहुत काम का आभार है हमारे धर्मवीर भाई सरपंच बने जी, और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे धर्मवीर भाई सरपंच बने और गांव का विकास करने में आगे रहे हैं और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। से हर तरह की और हर सुविधा की उम्मीद होनी चाहिए, पानी की, बिजली की, रोड की, बच्चों की पढ़ाई की और गरीब आदमी का साथ देने की और सभी का एक माला है जी। जो
जो जो पंचायत बनती है माला है, ये सभी मोती को इस माला में सुंदर ढंग से पिरो के और उसको गले में डाल के और खड़ा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरपंच पद का जो भी उम्मीदवार है उसे ये सारी चीजें अपने जहन में रखे और अच्छे से पूरे गांव का सबको मिलाकर संचालन करना चाहिए। किसी भी भाई का कोई बुरा या कोई वैसे सबके भले के लिए सरपंच बनाया जाता और सबका भला ही करना चाहिए। धर्मवीर जी उनका प्रतिनिधित्व करेंगे और एक शिक्षित परिवार से भी है, लगातार आप जो जन समस्याएं से जुड़े हुए हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि लगातार हैं वो इन समस्याओं गांव के तो अक्सर क्या होता है कि महिलाएं ज्यादातर मीडिया के सामने नहीं आती, फिर भी अपना जैसे तैसे करके बात रख देती हैं। और आपने देखा कि अच्छी तरह से अपनी बात रखी कि मन की बात यह है कि पढ़ाई जो है बच्चों की उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जो महिलाओं के लिए काम इनके लायक होंगे वो भी उन्होंने आगे निकल के आने की कोशिश की है और जहाँ तक होगी कोशिश की जाएगी। और भी जो आगे भी जो सरपंच उम्मीदवार है और जो प्रतिनिधि है जो भी जीत के आए उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। जब तक बने रहे मेरे साथ और देख रहे हैं वो शो डेमोक्रेसी।